राइट, और कब कौन सा लेना है ये आपको कंडीशन में दे ही दूंगा। ये वाली रेंज आपको तब लेनी है जब एक्स आपका 4 से लेस होगा, ये बीच वाली रेंज आपको तब लेनी है जब एक्स आपका 4 होगा, और ये तीसरी वाली रेंज आपको कब लेनी है जब आपका एक्स 4 से ग्रेटर देन होगा। क्वेश्चन ये है, इस फंक्शन की जो लिमिट है एक्स टेंड्स टू 4, इस लिमिट पे, इस लिमिट को ये कह रहे हैं इक्वल रखा गया है एफ 4 के। अगर ऐसा है देन आपको बतानी है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। थोड़ा सा अपग्रेड किया है मैंने आपके क्वेश्चंस को, हम एंटिटी लेवल से बहुत ऊपर जा रहे हैं। अब एक बार आप फंक्शन दोबारा से समझ लो। फंक्शन क्या है, एक्स माइनस 4 अपॉन मॉडुलस एक्स माइनस 4 प्लस ए है, या फिर फंक्शन खाली ए प्लस बी है, या फिर फंक्शन एक्स माइनस 4 अपॉन मॉडुलस एक्स माइनस 4 प्लस बी है। कब कौन सा लेना है मेंशन किया गया है। एक्स को अगर 4 से कम लोगे तो ये रेंज आएगी, इक्वल टू 4 लोगे तो ये वाली आएगी, ग्रेटर देन 4 लोगे तो ये वाली आएगी, और फंक्शन की लिमिट एफ 4 के इक्वल है तो ए और बी बताना है। वो स्टार्टिंग वाले में एक्स माइनस फोर है, बंद कर लो इसे, दोबारा पूछना बेटा क्या कह रहे वो थे। हाँ, स्टार्टिंग वाले में एक्स माइनस फोर है। सबके अंदर एक्स माइनस 4 है, ये ओके सर। यहाँ पे ना ये एक्स माइनस 4 है, ये एक्स माइनस 4 है, ये एक्स माइनस 4 है, ये एक्स माइनस 4। पहले तो आप मुझे ये बताओ, सिर्फ बताना है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना आपको, इसको छोड़ो एफ 4 को, इसको बाद में देखेंगे। ये बताओ लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एफ एक्स में कौन कौन सी लिमिट कैलकुलेट की जाएंगी, फोर लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट और और राइट हैंड लिमिट। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर आप मुझे निकाल के दिखाना राइट हैंड लिमिट। चलिए मैं अपना काम शुरू करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा मैं। क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, फोर लिमिट नेगेटिव। राइट एक्स टेंड्स टू 4 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड का मतलब है आप 4 के लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करने जा रहे और फंक्शन लिखोगे। अभी आप मुझे चेक करके बताओगे इनमें से कौन सी वाली रेंज मुझे लेनी है, 4 से टॉप छोटा वाला, कर रहे हो आप, कौन सी सबसे टॉप टॉप वाली, सबसे ऊपर वाली क्यों ले रहे, मालूम चल गया, इधर मालूम चल गया सबको क्यों लेनी है, क्योंकि देखो आपका जो एक्स है ना वो 4 से कम हो गया है, 4 से अगर आपका एक्स कम हो जाएगा तो ये कह रहे हैं ये वाली लिमिट दे। हम लोग जब लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 4 पुट कर रहे थे, डायरेक्ट जरा 4 पुट करके बताना क्या आंसर आ जाएगा इसका, 0 से बाय जीरो 0। ये जीरो बाय 0 फॉर्म कैसी फॉर्म होती है, इन सेम डिटरमिनेंट, डे डिटरमिनेंट। राइट। तो इस बार आप यहाँ पे डायरेक्ट 4 नहीं रखने जा रहे, आप 4 रखोगे तो गड़बड़ हो रहा है, अभी वो तो 0 बाय 0 फॉर्म हो रहा है। अब सुनो क्या करना है, रखो यहाँ पे 4, लेकिन उसमें से एक क्वांटिटी माइनस कर दो। देखना मैं क्या क्वांटिटी माइनस कर रहा हूं, देखो मैंने एक्स के प्लेस पे क्या शो किया है, पढ़ो इसको क्या लिखा है मैंने, 4 माइनस फोर एच, माइनस एच ये वाला माइनस 4 मेरा पहले से है, मैं बताऊंगा अभी इसमें एच क्या लिया है मैंने। मैंने एक्स को 4 पुट किया है, लेकिन मैंने खाली 4 पुट नहीं किया, मैंने 4 में से कुछ क्वांटिटी माइनस कर दी है। डिवाइड में भी ये करेंगे, यहां पर भी एक्स को 4 माइनस एच रखेंगे, यहां पर भी एक्स को 4 माइनस एच रखेंगे। ऐसा हम कब करेंगे, जब हम लिमिट पुट करने पर ये देख रहे हैं कि 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है, और ये प्लस ये तो प्लस ही रहेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये एच क्या चीज है, आपने एच जो लिया है ये एच क्या है, एक बार बताओ 4 में से आप क्या चीज माइनस करते हो, जो मैं कहता हूँ ना 4 के लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, क्या माइनस करते हो आप, बहुत छोटी क्वांटिटी, वो छोटी क्वांटिटी डिफाइन नहीं होती, इतनी छोटी होती है, ये जो एच है ना ये वही हुई छोटी क्वांटिटी है। अब बताओ ये छोटी क्वांटिटी है, इस बात को मैं आपको कैसे बताऊं, क्या लिखूं मैं इसके लिए, मैं इसके लिए ये लिखूंगा, देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0। मैंने बता दिया आपको कि मैंने जो एच माइनस किया है ये कैसी वैल्यू है, अप्रोचेस टू 0, बहुत छोटी है ये, मालूम नहीं कितनी है, लेकिन हमें ये ऐसे करना पड़ेगा, वरना तो ये 0 बाय 0 फॉर्म में जा रहा था ये। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर भी कैंसिल हो गया, नीचे भी कैंसिल हो गया, ठीक है, ऊपर क्या बचा माइनस एच, नीचे क्या बचा
माइनस एच को एच से डिवाइड कर दो, माइनस वन में ए प्लस कर दो, ये लो। सर एक बार फिर से समझा दो, फिर से समझो एच वाला कौन सा है, दोबारा समझो। सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक्स के प्लेस पर फोर माइनस कुछ रखना था, हम नहीं रख पा रहे थे डायरेक्ट क्योंकि ये जीरो बाई जीरो था, तो हमने एक्स के प्लेस पर क्या चूज कर लिया, हमने कहा फोर में से बहुत छोटी क्वांटिटी माइनस करके रख देते हैं, तो फोर माइनस एच रखा एक्स के प्लेस पर ऊपर भी और नीचे भी, प्लस ए को प्लस ए रहने दिया। अब हमने इसको थोड़ा सा वर्बली सॉल्व कर लिया, ये फोर फोर को कैंसिल हो गए, यहाँ भी कैंसिल हो गए, ऊपर बचा माइनस एच और नीचे मॉडुलस में बचा था माइनस एच, जो क्या बन गया प्लस एच। माइनस एच को प्लस एच से डिवाइड कर दिया हमने, क्या रह गया वो माइनस वन, तो ये रहा वो माइनस वन और प्लस ए, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकली। अभी भी एक ही स्टेप में देखो, एक ही स्टेप तो है नहीं। अब इसी तरह से आप मुझे आर एच एल निकाल के दिखाओ, आर एच एल में बोलो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर प्लस, इसमें से कौन सी रेंज लोगे, सबसे नीचे वाली, ये वाली आएगी ना फोर प्लस में, यहाँ पे फोर रख सकते हो डायरेक्ट, नहीं रख सकते क्या करोगे, जैसे मैंने किया फोर प्लस एच, फोर प्लस एच यहाँ, फोर प्लस एच नीचे, माइनस फोर वैसा रहेगा रहेगा, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस बी, निकाल के देखो, ये वाला समझाऊं, देखो ये जो x देख रहे हो ना फंक्शन में, इस x के प्लेस पर डायरेक्ट 4 नहीं रख पा रहे थे क्योंकि ये 0 बाय 0 बन रहा था, तो हमें 4 में से कुछ माइनस करने को दिया जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमने 4 में से क्या माइनस किया, रीड करो देखो, हमने x को क्या पुट किया है 4 माइनस एच, ऊपर भी और नीचे भी जितने x हैं सब जगह, और यहाँ पे h को क्या मेंशन करना है, हमेशा अप्रोचेस टू 0, बस सॉल्व कर लो, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर माइनस एच, नीचे मॉडुलस का माइनस एच प्लस एच बनेगा, माइनस एच प्लस एच से डिवाइड हुआ 1 आ जाएगा, ये रहा माइनस 1 और ये प्लस है। अब आर एच एल भी देखो, चलो मैं आपको आर एच एल भी दिखाता हूँ, ये रब कर दूंगा, नोट कर लिया है तो 1 प्लस बी करेक्ट है बिल्कुल। आर एच एल निकालना शुरू करो, जिसको आ रहा है वो तो निकालो, बी प्लस वन आएगा। देखो आर एच एल में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, 4 प्लस के लिए पहले तो रेंज ढूंढेंगे कौन सी लेनी है, रेंज ढूंढ ली भाई ये वाली लेनी है, लेकिन यहाँ 4 रख नहीं पा रहे हैं हम लोग क्योंकि ये 0 बाई 0 बन रहा है, तो बताओ यहाँ x के प्लेस पर क्या लिखना है अभी, 4 प्लस एच, 4 प्लस माइनस 4, नीचे भी मॉडुलस में 4 प्लस एच माइनस 4 और प्लस बी, यहाँ पे लिमिट क्या मेंशन करोगे, अप्रोचेस टू जीरो, ये जो एच आपने लिया है ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो लिमिट होगी एच अप्रोचेस टू वही जीरो, सॉल्व करो, फोर से फोर गया, फोर से फोर गया, यहाँ ऊपर क्या बचा एच, ऊपर बचा एच और नीचे भी बचा एच, एच से एच हो गया डिवाइड, ये बन गया 1 प्लस बी, तो ये रही आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये रही आपकी राइट हैंड लिमिट। क्वेश्चन ये बोलता है कि दोनों लिमिट किसके इक्वल है, F4 यहां से देखो, F4 क्या वैल्यू है F4 की, तो बताओ क्या करने जा रहे हो उसके बाद, आप इसको भी A प्लस बी के इक्वल रख दो और लेफ्ट हैंड लिमिट को भी A प्लस बी के इक्वल रख दो और मुझे A और B बता दो, दोनों को F4 की वैल्यू के इक्वल रखना है ना, F4 की वैल्यू ये तो नहीं A प्लस बी, ये जो F4 है उसकी वैल्यू ये नहीं, F4 का मतलब यही होता है जब X4 होगा तो रेंज क्या होगी A प्लस बी हो, तो बताओ A और B की वैल्यू क्या क्या आ रही है, और A 1 और B कैसे, मतलब फोर नहीं, आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट 4 के इक्वल है, वो कह रहा है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों F4 के इक्वल है, और F4 की वैल्यू ऑफ फंक्शन से देखो, F4 का मतलब जब डोमेन 4 होगा तो रेंज क्या है उस वक्त, A प्लस बी है, तो A प्लस बी के इक्वल रखो इसमें, तो अब ये रख दोगे ना, देखो A माइनस 1 को रख दो A प्लस बी के इक्वल, A से A कैंसिल, B हो गया माइनस 1, फिर ये जो आर एच एल आई है 1 प्लस बी उसको भी रख दो 1 A प्लस बी के इक्वल, तो वहां से आपका A हो जाएगा प्लस 1,
खत्म, ए वन हो गया, बी माइनस वन हो गया। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था, वो एक ही क्वेश्चन अच्छा उसके अंदर, लेफ्ट एंड राइट लिमिट वाला जो था, जिसमें ए और बी निकाले थे आप। एक और दूंगा ऐसा, एक और करो। फिर मुझे सिखाना है आपको आज एल हॉस्पिटल्स रूल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का, ये रब कर दो। इंडिटरमिनेट में आप कुछ भी जोड़ लो, कुछ भी घटा लो, इंडिटरमिनेट में। एक और ट्राई करो ऐसा। ट्राई करो, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। के कॉस एक्स पाई माइनस टू एक्स थ्री, एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई अपॉन टू, x is equals to pi upon 2. Question है, limit x tends to pi by 2 fx equal है f pi by 2 के. तो आपको निकालनी है यहां से k की value. आप एक काम करो, pi by 2 पे LHL start करो, चलो पाई बाई टू पे एलएचएल लोगे ना, पहले एलएचएल स्टार्ट करो, फंसेगा तो मैं बताऊंगा, आप एक बार शुरू करो लेके, थोड़ा जल्दी भाई। LHL स्टार्ट की किसी ने, पाई बाई टू माइनस, कौन सी वाली रेंज लोगे ये बताओ पहले, तो फर्स्ट वाली लोगे। अच्छा अब ये बताओ, फर्स्ट वाली रेंज में अगर आप पाई बाई टू रखोगे तो जीरो बाई जीरो तो नहीं आ रहा है, पहले ये चेक करो, रखो जरा यहाँ पे पाई बाई टू रखो, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, तो भाई ऊपर तो जीरो आ रहा है, जरा पाई बाई टू यहाँ रखो, श्योर जीरो फॉर्म बन रही है। अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है तो पाई बाई टू तो नहीं रख सकते, तो बोलो हमारे पास अब उसका जुगाड़ क्या बना, पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू माइनस एच, शुरू करो। के कॉस पाई बाई टू माइनस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस टू ब्रैकेट में पाई बाई टू माइनस एच। अब ये बताओ इसमें ये एक्स क्या है, अप्रोचिंग टू जीरो, बड़ी छोटी क्वांटिटी है, हमेशा जीरो लेना है ये तो। अच्छा अब ये बताओ, आपने ये टेंथ क्लास में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वैसे तो हट गया था फाइनल की वजह से, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसी को आता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो अगले स्टेप में जा रहा हूं मैं सामने, के का के रहेगा और ये बन गया साइन थीटा, ठीक है। अब जरा नीचे ब्रैकेट ओपन करके बताओ जी क्या बचा है नीचे, ये आप अपने आप कर लो, 2h एक बार देख लो, ब्रैकेट खोल के देख लो, 2h बचेगा तो मैं 2h लिख दूंगा, 2h है। लिमिट क्या चल रही है, k by 2, चलो साइन h by h 1 हो सकते हैं, यस बिल्कुल वही मैं करने जा रहा हूं। अब ये लिमिट हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, जब h टेंड्स टू जीरो होता है तो साइन h अपॉन h, ये इतना पोर्शन क्या बन जाता है, ये वन बन गया, तो बोलो ये लिमिट सॉल्व करके क्या आएगी,
ओनली के बाई क्यूब। क्लियर हुआ ये, लेफ्ट हैंड लिमिट क्लियर हुई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, उसके लिए रेंज सिलेक्ट करो कौन सी लेनी है, ये लेनी है या नीचे वाली लेनी है, फर्स्ट लेनी है। जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम रेंज लेती हैं, दोनों सेम रेंज ले रही हैं, यही वाली ले आएगी दोबारा से, तो आरएचएल निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आरएचएल निकालोगे तो क्या होगा, देखो यहां आ जाएगा पाई बाई टू प्लस एच, यहाँ पे भी आ जाएगा पाई बाई टू प्लस एच, यहाँ पर आएगा ऊपर माइनस साइन एच, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां बन गया माइनस साइन एच, और यहाँ पर आएगा माइनस टू एच, सेम आएगा आंसर, क्या आएगा के बाई टू फिर से आएगा, तो क्यों निकाले दोबारा से। मैं अपनी बात जैसे बताऊं मैं क्या बोल रहा हूँ, यह बात सही में आई है मेरी, एल एच एल के लिए आपने रखने वाले हैं, सुनो दोबारा से, एल एच एल के लिए हमने चूज करी थी ये वाली रेंज, भाई इसमें डाली हमने लिमिट और इसको सॉल्व कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर एच एल के लिए कौन सी लोगे, ये रेंज लोगे या थ्री लोगे, आर एच एल जब पाई बाई टू में प्लस करोगे ऊपर वाली लोगे, क्योंकि पाई बाई टू में प्लस करने के बावजूद भी एक्स पाई बाई टू के बराबर नहीं रहा, पाई बाई टू में कुछ प्लस हो गया। जब एल एच एल आर एच एल दोनों के लिए सेम रेंज होती है तो मत लो दोनों, क्यों ले रहे हो, टाइम वेस्ट करना है, LHL निकल गई है बहुत है बस, RHL मत लेना। अब ये बता दो इसके अपॉन टू को रखना किसके इक्वल है, यहां पढ़ के बताना, थ्री के इक्वल, क्योंकि ये बोल रहा है x पाई बाई टू पर फंक्शन की वैल्यू थ्री है, तो k अपॉन टू अगर हम थ्री के इक्वल रख दें तो k की क्या वैल्यू हुई, आंसर हो गया सिक्स। फिर से बताओ हमने इसमें RHL क्यों नहीं ली, लास्ट क्वेश्चन में तो ली थी, लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और वो LHL RHL दोनों सेम है, सेम रेंज को अगर बिलोंग कर रही है LHL RHL तो दो क्यों लेनी है फिर तो कोई एक लेंगे। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को एल हॉस्पिटल रूल से निकालना सीखेंगे, ठीक है, फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहले तो ये बता दो ये रूल कब अप्लाई होता है, जैसे x टेंड्स टू लिमिट a है और यहाँ पे कुछ फंक्शन है और यहाँ पे कोई नीचे अलग फंक्शन है, हम क्या चीज पे अप्लाई करते हैं, क्या चीज आनी चाहिए, कौन सी फॉर्म आनी चाहिए इंडिटरमिनेट की, जीरो बाय जीरो या इंफिनिटी बाय, अगर इनमें से कोई फॉर्म आएगी तो आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से शॉर्ट कर सकते हो। मैंने आपको एक डिफरेंशिएशन सिखाया था, किसी को याद है, एक्स टू दी पावर एन का, एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन बताना क्या होता है, एन पावर आगे लाकर एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये सिखाया था। अब मैं आपको आज कुछ डिफरेंशिएशन और सिखा रहा हूं, ये आप याद कर लोगे अगर तो आपके जो लिमिट्स के क्वेश्चन है बड़े छोटे छोटे से रह जाएंगे, कुछ सेकंड्स के क्वेश्चन रह जाएंगे। साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद करना है आपको, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो माइनस साइन एक्स, दो ये हो गए। उसके बाद टैन एक्स, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x होता है, दो आपको ये भी याद करने, इसके अलावा अब दो और रह गए, sec x इसका होता है sec x into tan x और cos x माइनस cos x into cot x, ये मैंने दो दो के पेयर बना दिए, जैसे मर्जी याद कर लो। एक बार गौर करने वाली ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सी लेटर से स्टार्ट होते हैं cos, cot और cosec, इनके डेरिवेटिव माइनस में है, इनका डिफरेंशिएशन करके जो आंसर है वो माइनस में। अगर आप ये छह याद कर लेते हो तो आपके कई सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले।
आप ये नोट कर लो, मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि डेरिवेटिव आपके टर्म टू में तो आने ही आने, तब भी आपको याद तो करने पड़ेंगे। डन, डन, चले आगे चले। कर लो कर लो। हॉस्पिटल्स रूल आपका तभी लगता है जब कौन सी फॉर्म होती है, 0/0, ∞/∞, और सभी क्वेश्चंस में यही होती है, बहुत कम क्वेश्चन इसमें कुछ और आती है। डन, एक छोटी सी बात और समझाऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू, जरा समझना ध्यान से। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, साइन ए एक्स है अपॉन साइन बी एक्स है। अब चेक करो ये 0/0 फॉर्म है या नहीं है, जल्दी चेक करो। बड़ी देर में बताया लेकिन आपने, एक्स को जीरो रखा साइन जीरो जीरो, एक्स को जीरो रखा साइन जीरो जीरो है भाई 0/0 फॉर्म, तो हमने लगाया इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाया। साइन का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है, तो मैंने लिख दिया कॉस ए एक्स लिख दिया। क्या ये सिंगल एक्स है या ए एक्स है, ये तो ए एक्स है। अगर ये ए एक्स है, खाली एक्स नहीं है, तो मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और ए एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से भी लेना पड़ेगा। ए को तो छोड़ो, ए तो कॉन्स्टेंट है, साथ वाले एक्स का बोलो, यहां पे एक्स का डेरिवेटिव देखो इस वाले फॉर्मूले से बोलो, एक्स टू दी पावर एन वाले फॉर्मूले से। भाई एक्स टू दी पावर वन मानोगे आप तो, जब कोई पावर नहीं है तो वन पावर आगे आएगी, एक्स टू दी पावर जीरो हो जाएगी, तो कितना आया, वन आया, तो ए इंटू वन। मैं फिर से समझाता हूं, मैंने आपको बोला मुझे साइन फाइव एक्स का डेरिवेटिव करके दिखाओ, निकाल के दिखाओ। आपने साइन फाइव एक्स का डेरिवेटिव पहले क्या लिख दिया, कॉस फाइव एक्स लिख दिया, पहले तो लिख दिया। अब ये जो फाइव एक्स है, इसका मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन यहां पे अलग से करोगे, तो फाइव के साथ खाली एक्स का करो, फाइव का मत करो, एक्स का डिफरेंशिएशन याद कर लो, खाली एक्स का क्या होता है अब वन, तो फाइव इंटू वन कितना हो गया, फाइव आएगा। चलो आप बताओ, साइन के साथ मैंने एक्स स्क्वायर दे दिया आपको, पहले तो साइन का डेरिवेटिव बोलो, कॉस एक्स स्क्वायर पहले तो कर लिया, कर लिया। अब मल्टीप्लाई में किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का करोगे, एक्स स्क्वायर का बोलो, वन नहीं होगा, एक्स स्क्वायर है इस बार, टू एक्स। आती बात समझ में, अब मेरे को साइन मैंने कर दिया है, साइन ए एक्स का कॉस ए एक्स, और ए एक्स का मेरा ए भी आ गया है। अभी आप मेरे को नीचे वाले का बोलो फिर, कॉस बी एक्स तो पहले साइन का हो गया जी, चलो मल्टीप्लाई बोलो इसका, इसका बी रह गया, बी क्यों रह गया, क्योंकि भाई एक्स का सिंगल वन होता है। अब जरा एक्स को जीरो पुट करके देखो, क्या 0/0 फॉर्म है या नहीं है, एक्स को जीरो पुट करो, कॉस जीरो बन गया, कॉस जीरो की वैल्यू आती है किसी को वन होती है, तो वन इंटू ए, ए इसी तरह से वन इंटू बी, बी आंसर ए अपॉन बी। ये कैसे आया, दोबारा समझो, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दिया आपने, सिंपल सिंपल कॉस एक्स स्क्वायर लगा दिया। ये जो एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन आपको अलग से करना होगा, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का किससे कर रहे हैं, ये जो एक्स टू दी पावर एन वाला डेरिवेटिव होता है, एन पावर आगे लाते हैं ना और एक्स की पावर जीरो कर देते हैं, वो किया। बोलो भाई यस नो, तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो आप यस बोलोगे तो अभी तीन चार क्वेश्चन छोटे छोटे ऐसे कराता हूँ आपको, ठीक है। 0/0 फॉर्म दूंगा, डिफरेंशिएशन करो, लिमिट डाल के चेक करो, 0/0 नहीं आएगा, लिमिट डाल दो उसके, लेकिन MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इससे आपको।
सब्जेक्टिव तो खैर होगा ही नहीं एग्जाम में तो। लिमिट है x टेंड्स टू जीरो, चलो ट्राई करो, लिमिट है x टेंड्स टू जीरो, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, मैंने चेक कर लिया है, आप तो डिफरेंशिएशन पे ध्यान दो। x की वैल्यू जीरो पुट करो, कॉस जीरो हो गया, कॉस जीरो वन होता है, तो वन माइनस वन जीरो आया, कॉस जीरो वन ही तो होता है। चलो डिफरेंशिएशन बोलो, खुशी वन का डिफरेंशिएशन बोलो पहले, जीरो ये माइनस आ गया, कॉस टू एक्स का बोलो, देख के बोलो फॉर्मुला में लिखवाया है, माइनस साइन, ये तो पहली माइनस है लेकिन क्या करूं, प्लस कर दो और क्या, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन टू एक्स, अभी और भी कुछ आना है मल्टीप्लाई में इसके, जल्दी बोलो क्या आना है, ये कहां से आया, राइट, टू एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से लिया तो टू आया, ये क्लियर हुआ। सर मतलब हमने पहले एज्यूम किया कि cos 2x, देखो cos x पहले है। तो हमने cos 2x, हाँ पहले मन में एज्यूम कर लो कि ये cos 2x नहीं है, ये cos x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन लगा दिया sin x, पूरा सेम लगा दिया, उसके बाद ये चेक किया करो कि ये है क्या एक्चुअल में, खाली अगर x है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन अगर खाली x नहीं है, 2x है, 3x है, x स्क्वायर है या कुछ और है, उसका डिफरेंशिएशन अलग से यहाँ पे लेना होगा, ये चेन रूल कहलाता है जो आगे जाके आपको सीखना है, लेकिन टर्म वन के एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ये अभी सिखा रहा हूं। अब बता दो मेरे को एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चेक करके बताओ, क्या जीरो बाय जीरो फॉर्म अभी भी है या नहीं है, इसको बता रहा हूं मैं, जीरो चेक करो, एक्स को जीरो पुट करो ना ऊपर, यस सर, ये तो फिर से जीरो बाय जीरो है, अब क्या करें, फिर से करो, कौन रोक रहा है आपको, वैसे फिर से करने की जरूरत है नहीं, आप ध्यान से देखो जरा एक चीज, ध्यान से देखो ये क्या होता है लिमिट में, वन नहीं होता क्या, वन ही तो होता ही है, देखो ना x टेंड्स टू जीरो पर ये एंगल भी जीरो बन रहा है, और साइन टू एक्स के नीचे टू एक्स हमें मिल चुका है, तो ये वैसे तो वन होता है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, चलो मान लेता हूं मैं एक बार को ये मान लेता हूं कि आपके दिमाग में एकदम से नहीं आएगा, आप तो अपना वही लगा के चलोगे, एल ऑफ कोर्स लगा के चलोगे, तो एक बार इसको डिफरेंशिएशन फिर से करके देखते हैं, चलो साइन का डिफरेंशिएशन बोलो, देख के बोलो, कॉस टू एक्स, मतलब वही कॉस टू एक्स आ गया, अब टू एक्स का फिर से करो, टू एक्स का फिर से करो, टू आएगा, अच्छा एक टू और आने वाला है, टू पहले से पड़ा हुआ है, क्या करूं, फोर कर दूं इसको, भाई एक टू इसका आने वाला है, एक टू पहले से बड़ा हुआ है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, यस सर, नीचे बोलो टू एक्स का, इसका बोलो सर टू, अब लिमिट डाल के देखो, अब है क्या जीरो बाय जीरो फॉर्म, यहाँ पे एक्स को जीरो पुट करो, कॉस जीरो बन गया, कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई, तो आंसर क्या आया, वन इंटू फोर, फोर फोर अपॉन टू, आंसर देखो टू ही आया, एक डिफरेंशिएशन बोलना जरा, अभी मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा, पहले एक दो प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन की कर लेते, इसका डिफरेंशिएशन बोलो, इसका बोलो टेन एक्स स्क्वायर प्लस फोर का, पहले टेन का बोलो, देख लो सेट स्क्वायर पूरा सेम ठीक है, टेन का डिफरेंशिएशन कर लिया, अभी बताओ मल्टीप्लाई में किसका करना है, टू एक्स प्लस फोर, टू एक्स प्लस जीरो, राइट, एक्स स्क्वायर का करो पहले, तो टू एक्स होता है, अच्छा प्लस फोर का करो, फोर का तो जीरो होगा, फोर के साथ एक्स सही नहीं होगी, तो इसका डिफरेंशिएशन आया सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू टू एक्स, ये चेन रूल कहलाता है, जो मैंने चेन रूल आपको थोड़ा सा आज समझाया है,
चलो आप क्वेश्चन ट्राई करके देखो, नहीं आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन ट्राई तो करो भाई। लिमिट है x टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस टू एम एक्स अपॉन वन माइनस कॉस टू एन एक्स, ये करके दिखाओ। जीरो बाय जीरो फॉर्म में चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने चेक कर ली था। हाँ जी बोलो, आंसर बना रहा है, बन नहीं आ रहा बेटा। अच्छा चलो मेरे को आप डिफरेंशिएशन बोलो, ठीक है? आप मेरे को वन का डिफरेंशिएशन बोलो सबसे पहले, जीरो, ठीक है? जीरो मैं शो कर रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि मैंने जीरो लिखा है, इनफैक्ट जरूरत नहीं। एम और एन की टर्म्स में आएगा आंसर, इन टर्म्स ऑफ एम और एन, नंबर में नहीं आएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन बोलो, चलो देख के बोलो, माइनस साइन, पहली माइनस से प्लस कर दिया मैंने, कॉस का हो गया साइन, उसके आगे ये टू एम एक्स ऐसे उतारेंगे, अभी बोलो मल्टीप्लाई, यस यही आंसर आ रहा है। अभी बोलो किसका डिफरेंशिएशन और आना है यहाँ पे, टू एम एक्स का आना है, तो इस वाले एक्स का करो बस, एक्स का क्या होता है, x का वन होता है, तो खाली क्या रह गया, 2m, 2m कंप्लीट हुआ ऊपर का, बिल्कुल ऐसे ही नीचे का लिख लो, बोलो sin 2nx into 2n, राइट, sin 2nx into, अब इस वाले x का वन हो जाएगा, तो ये 2n है, चाहो तो 2 से 2 अभी कैंसिल कर सकते हो, बाद में कर लेना, मर्जी है आपकी। अभी बताओ जीरो बाय जीरो फॉर्म है या नहीं है, है अभी भी है, क्योंकि जब x को जीरो रखो तो साइन जीरो बना देगा सबको, और ये भी जीरो बनाएगा, फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अभी साइन का बोलो क्या होता है, cos, पूरा बोलो, cos 2mx, मल्टीप्लाई में किसका बोलोगे अब, 2mx का फिर से बोलो, 2m, एक 2m पहले से बढ़ा हुआ है साइड में, एक और आने वाला है, 4m2। अब आ जाओ डिवाइड में, बिल्कुल ऐसे ही साइन का cos प्लस 4n स्क्वायर, राइट, इनटू 4n स्क्वायर। अब चेक करो 0 बाय 0 फॉर्म है या नहीं है, अब नहीं है तो फिर डाल दो लिमिट, नहीं है तो राइट भाई, अगर आप यहाँ पे x को 0 पुट करते हो तो cos 0 1 हो जाना है, तो ऊपर बचेगा 4m स्क्वायर, 4 4 कैंसिल करो, आंसर इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। स्क्वायर नहीं काट सकते आप, सोचो अगर मेरे पास ये 4 अपॉन 9 लिखा हुआ है, कोई फ्रैक्शन है, मैंने इसको लिख दिया 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, और फिर स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, तो इसका मतलब 4 अपॉन 9 2 अपॉन 3 के बराबर हो गया, पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर कब कटेगा, जब आमने सामने इक्वेट होगा सर। हाँ जी बोलो, सर एल एन हॉस्पिटल सोल के अलावा कैसे हो सकता है अगर हम नॉर्मल करना चाहें तो, दिखाऊंगा वो भी सिखाऊंगा, अगर आप पूछ रहे हो आपको बता देता हूँ। देखो मैं ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री का गोल्डन फॉर्मूला होता है, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का आधा यानी एम एक्स, फिर ऐसे ही नीचे वाला भी ये गोल्डन फॉर्मूला बन गया 2 साइन स्क्वायर एन एक्स, 2 से 2 कर दिया कैंसिल। अब साइन स्क्वायर एम एक्स को अपनी तरफ से एम एक्स पे होल स्क्वायर लगाकर डिवाइड कर दिया, बैलेंस खराब ना हो जाए इसलिए इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, फिर आ गए डिवाइड में, ये जो नीचे साइन स्क्वायर है इसको एन एक्स के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया,
ऐसा करने का कुछ खास वजह? यस वन वन। यस ये वन बन गया, इधर से ये वन बन गया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर रह गया एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। लेकिन नॉर्मल मेथड मत लगाना, टाइम कंज्यूमिंग है, एमसीक्यू क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना। और सर अगर सब्जेक्टिव हो तो फिर तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में भी आपने टीचर से परमिशन लेके ना, देखो 11th क्लास है, मैं इससे बोल रहा हूँ परमिशन ले लो, अगर 12th क्लास होती तो मैं आपको कहता बेगलत यूज कराओ, ये कोई नहीं काटेगा। एल हॉस्पिटल्स रूल लिमिट्स के लिए रामबाण की तरह से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्या आना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ट्राई करो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स। चलो करके दिखाओ, साइन टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस थ्री एक्स। हाँ अलग अलग, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो पहले लिखोगे cos 2x फिर मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस में, ऐसे इसका भी करोगे। सर 4 आएगा आंसर आ रहा है जी इसका, नहीं 4 नहीं आएगा, 1 आ रहा है इसका आंसर, करेक्ट। हाँ सर वन, जो कितना सिंपल हो गया आप लोगों के लिए था, वन आ गया। गणेश क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ? तो लिखो ना बेटा क्वेश्चन, लिखो कॉपी में, मैं बताऊं कैसे, एक बार बताऊं साइन का डिफरेंशिएशन मैंने क्या लिखवाया, जरा चेक करके बताऊं। कॉस, मैंने साइन का कॉस लिखवाया तो आपने लिख दिया कॉस टू एक्स, ये पहले सेम लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, अब इस वाले 2x का डिफरेंशिएशन अलग से यहाँ पे लिखोगे, सिर्फ 2x का, तो x का 1 होता है तो 2 into 1 2 लिख दो, ऐसे इसका कर दो, साइन 3x का हो गया cos 3x into इस वाले 3x का 3 आ गया। अब डिवाइड में आ जाओ, इस वाले 2x का जैसे भी ऊपर किया था तो खाली 2x है, 2x का खाली 2 रह गया, बिल्कुल ये ऊपर वाला देखो नीचे सेम आ गया, हो गया। लिमिट चेक कर लो, रख के देख लो, 0/0 तो नहीं आ रहा है, आ रहा है तो फिर से कर देंगे। cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, अगर हम यहां लिमिट डाल दें तो आंसर क्या आएगा, 1 into 2 plus 1 into 3 upon 2 plus 1 into 3 5 upon 5 आंसर हो गया 1। नेक्स्ट लिखो, लिमिट है x टेंड्स टू जीरो साइन टू एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स डिवाइडेड बाय साइन फाइव एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। नहीं वन नहीं आएगा इस बार, सर फोर आएगा, फोर आया।
अच्छा मुझे आप ना इसका डिफरेंशिएशन बताओ, चलो साइन टू एक्स का बताओ, पहले साइन का बोलोगे, साइन का बोलो डिफरेंशिएशन, कॉस टू एक्स इंटू टू, इसका हो गया। अब ऐसे इसका कर लो, चलो इंटू सिक्स, ऊपर कंप्लीट हो गया, अब नीचे कर लो साइन फाइव एक्स का करो, माइनस ठीक है हो गया, एक्स को जीरो पुट करके देखते हैं जीरो बाई जीरो है या नहीं है, अब ये नहीं है, कॉस जीरो वन होता है, ये भी वन हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, वन इंटू टू प्लस वन इंटू सिक्स, वन इंटू फाइव माइनस वन इंटू थ्री, ये लो ये आंसर हो गया, आठ अपॉन दो चार। नेक्स्ट देखो, साइन टू प्लस एक्स माइनस साइन टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, साइन टू प्लस एक्स माइनस साइन टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, जल्दी करो भी बताओ। नहीं जीरो नहीं आएगा, नहीं टू भी नहीं आएगा, फोर भी नहीं आएगा, वन भी नहीं आएगा, जीरो बाय वन तो जीरो हो गया बिल्कुल। आप डिफरेंशिएशन ध्यान से करना बस, बाकी तो फिर लिमिट आनी है उसके बाद। बबे साइन टू प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन बोलना, पहले तो आएगा कॉस टू प्लस एक्स, मल्टीप्लाई लगाओगे अभी, अब टू प्लस एक्स का बोलो, टू प्लस एक्स का फिर से बोलो, वन कौन बोल रहा है, वन। अब सुनो कैसे, आप क्या कर रहे हो, टू का डिफरेंशिएशन तो टू ही लिख रहे हो और x का वन लिख रहे हो और मुझे बोल रहे हो थ्री, तो गलती क्या कर रहे हो बताओ अपने, आप टू का डिफरेंशिएशन टू बोल रहे हो, टू का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस वन, वन ही तो आएगा। अब इसका बोलो, चलो ये माइनस बीच में लग गया, अब इसका बोलो, पहले तो कॉस टू माइनस एक्स हो गया, अब इसका बोलो, टू का बोलो, चलो पहले जीरो माइनस एक्स का बोलो, तो जीरो माइनस वन कितना हुआ, माइनस वन, वो माइनस वन यहां जब लिखेंगे तो इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। अब आ जाओ डिवाइड में, अब इस वाले एक्स का बोलो वन, लो अब तो नीचे वन है, जीरो बाय जीरो कैसे बनेगी, इसलिए अब आप इसमें एक्स के प्लेस पर जीरो पुट कर दो, बोलो आंसर बोलो, यहां पे जीरो पुट कर दिया, कॉस टू, भैया जीरो रखोगे तो कॉस टू रह गया, यहां पे जीरो रखो कॉस टू, कॉस टू में कॉस टू ऐड करना, आंसर हुआ टू कॉस टू। फिर ट्राई करो, डिफरेंशिएशन थोड़ा जितना आपको सिखाया, मैं और हाई फाई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, उसी लेवल के दे रहा हूं जो आपने सीखा है अभी। चलो ये लेवल ट्राई करो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस साइन सी एक्स, ये करके दिखाओ, साइन ए एक्स
प्लस बी एक्स, बी एक्स अलग है, जो x के अलावा जो भी लिखा हुआ है a b c d सब कांस्टेंट, जैसे 2 3 4 होते हैं वैसे ही है। हाँ जी बोलो। अब डिफरेंशिएशन सही करना भाई। हाँ आंसर इन टर्म्स ऑफ ए और बी होगा, फिर से बताओ आशीष आंसर। ए प्लस बी अपॉन सी। इधर एक बच्चे ने आंसर बताया मेरे को, हितेश ने, सॉरी चिराग ने, ए प्लस बी अपॉन सी क्लियर है। दिनेश डिफरेंशिएशन आया करना नहीं आया क्या? डिफरेंशिएशन सबको सही में आया जो बताया मैंने? क्योंकि बिना उससे तो क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं। फिर ये आपसे साइन का डिफरेंशिएशन बोलो, जिसको भी आ रहा है बोल दो। सर कॉस ए एक्स माइनस कॉस ए एक्स, नहीं खाली कॉस कॉस। अब ए एक्स का अलग से बोलो जो कर रहे हो सर, ए टू है प्लस, यहाँ तो बी एक्स है भाई, कोई साइन में तो है नहीं, तो सीधा एक्स का बोलो, बी एक्स में एक्स का वन, तो बी एक्स का क्या लिखेंगे हम? खाली बी। अब आ जाएंगे डिवाइड में, b को तो छोड़ो, उसके साथ में जो x स्क्वायर है मुझे x स्क्वायर का बोलो, 2x, इसे क्या लिख दूंगा पूरा मैं अब 2xb या 2bx कुछ भी। अब sin cx का बोलो, cos cx into c, जब cos आ जाते हैं ना कभी भी 0 बाई 0 फॉर्म होती नहीं है, क्योंकि cos में 0 डालने से वो खुद 1 बन जाता है। अब ये क्या बन गया? 1, 1 into a, a प्लस बी डिवाइड में, यहाँ पे जरा जीरो रखना, जीरो, ये टर्म पूरी जीरो हो गई, इसे छोड़ दो, और यहाँ cos 0 1 हो गया, तो c a प्लस बी अपॉन सी। कितने स्टेप लगा रहे हो क्वेश्चन में? खाली एक स्टेप में आंसर सॉल्व कर रहे। अब मैं आपको ना ये क्वेश्चन उस तरीके से करके दिखाता हूँ जिससे और बच्चे करेंगे, आप थोड़ी करोगे वैसे, आप कैसे कर रहे हो? अब जरा ये भी देख लो एक बार, जो बच्चा नॉर्मल लिमिट्स करके आया होगा, ये मैं नहीं सिखाता आपका रसूल, अगर आपके एमसीक्यू पेपर ना होते ना मैं आपको शायद नहीं सिखाता ये। अब ये नॉर्मल वे में कैसे होगा? साइन ए एक्स लिखा गया, इसको इसी के एंगल से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया गया, प्लस बी एक्स का कुछ नहीं किया सेम लिखा, नीचे बी एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं किया सेम लिखा, हाँ इस साइन सी एक्स को बताओ किससे डिवाइड करेंगे? सी एक्स से डिवाइड करेंगे और सी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? ऊपर से क्या ये x कॉमन ले सकते हैं? चेक करके बताओ, यस और नो में जवाब देना है बस। ऑब्वियस ले सकते हैं, साइन सी एक्स है उसको इसी के एंगल से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया जैसे यहां पे किया। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या था कि क्या ये x ऊपर से कॉमन आ सकता है? आपने कहा आ सकता है। क्या ये वाला x नीचे से भी कॉमन आ सकता है? देख के बताओ यस और नो, आ सकता है तो लो कॉमन ले लिया, देखो मैंने बताओ क्या किया है मैंने, ऊपर से एक्स कॉमन गया नीचे से भी एक्स कॉमन गया, कैंसिल हो गया। अब आप इसमें लिमिट डाल दो, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू अगर जीरो हो तो ये वन होता है इनटू ए प्लस बी, ये वाला बी, ये तो एक्स को जुड़ा से जीरो बन जाएगा और ये पूरा वन बन जाएगा, वन इंटू सी, आंसर वही आया। चॉइस आपकी होगी अगर एमसीक्यू है, लेकिन कई बार एल हॉस्पिटल्स रूल क्वेश्चन को और बड़ा कर देते हैं, वो भी आज आपको दे ही नहीं रहा मैं अभी, तो उनकी भी बताऊंगा ट्रिक क्या, फिर उनको कैसे सॉल्व करें। इन क्वेश्चंस के लिए ये वाला रूल बहुत बढ़िया रहता है जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो आप। एक और करके दिखाओ बस, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन फोर एक्स प्लस थ्री एक्स
अपॉन 5x प्लस tan 2x, फिर से सेम पैटर्न का क्वेश्चन दिया है था वन ठीक है, वन आंसर है करेक्ट. ऐसे ही करो, डिफरेंशिएशन करो और लिमिट डाल दो उसके बाद. जनरली यही होता आंसर होता है, फोर प्लस थ्री अपॉन फाइव प्लस टू. बिल्कुल डिफरेंशिएशन हुआ गणेश. साइन फोर एक्स का कर लिया होगा अब तो सबने, कई बार यूज हो गया. कॉस फोर एक्स इंटू फोर, इसका क्या किया है थ्री एक्स का, आंसर बना रहा है. थ्री एक्स का बोलना थ्री, फाइव एक्स का बोलो फाइव, टेन का बोलना अभी याद नहीं होगा देख के बोलो sec स्क्वायर टू एक्स. लेकिन टू एक्स का करना पड़ेगा इंटू टू. मैंने क्या बोला था, जब cos आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वन बनने जा रहा है. इसमें जितने x नजर आ रहे हैं सबको आप x को जीरो डालना शुरू करो. बोलो यहां से बोलो, ये क्या बन गया cos जीरो वन हो गया, तो वन इंटू फोर फोर, फिर नीचे आ जाओ फाइव प्लस sec जीरो की वैल्यू क्या होती है वो भी वन ही होती है, तो ये हो गया वन इंटू टू, आंसर हो गया सेवन बाय सेवन, वन हो गया. हायर रूल समझ में ये वाला यूज करना आ गया, लेकिन ये हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं होगा. कुछ क्वेश्चन पे अगर आप इस रूल को लगाने की कोशिश करोगे तो वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे. तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस को करवा दूंगा हम नेक्स्ट क्लास में, लेकिन स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वही करवाऊंगा, वही बताना. मैंने आपको सिंपल साइन टेन ये दिए, मैं आपको कल यानी नेक्स्ट क्लास में जैसे ये इसका डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगा थोड़ा सा, थोड़ा रूल लगेगा, मैं सिखाऊंगा वो रूल, आप चेन रूल सिखाऊंगा, अभी नहीं बताता, बताऊंगा लेकिन कैसे. ठीक है जी, तो फिर क्लास ओवर करते हैं आज की, परसों इसको वाइंड अप करके स्टैट से स्टार्ट कर लेंगे.